हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन की इतनी ज़्यादा टेस्टी रेसिपी कि आप पनीर खाना भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। चलिए चलते हैं किचन में। देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर मैंने ये ना इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी कि आप पनीर खाना भी भूल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर लिया है तीन जो बाउल आपको लेनी है ना फ्रेंड्स, उसके हिसाब से आप तीन बाउल आपको लेना है यहाँ पे दूध। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तीन बाउल के आसपास देखिए डाल दिया है दूध। जिस भी कटोरी से आपको मेजरमेंट करना है उसी से आपको फ्रेंड्स एक कटोरी यहाँ पर डालना है बेसन। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक कटोरी यहाँ पर बेसन डाल दिया है, तीन कटोरी दूध है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें डालेंगे प्याज, जो हमने प्याज ली थी। फ्रेंड्स, सभी चीज़ों को हमें गैस पर नहीं चढ़ा के डालनी है, पहले ही डालनी है। तो आप पहले ही इसमें मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ देखिए एक चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, एक चम्मच डाल रही हूँ मैं ऑरिगेनो, लाल मिर्च पाउडर, नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो चम्मच नमक ऐड किया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स, सभी चीज़ों को देखिए मिक्स कर लेंगे हम। जो पनीर खाने वाले लोग हैं ना, वो भी खाना भूल जाएंगे पनीर, अगर आप उनको ये वाला स्नैक्स बना के खिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छे से आप इसको चला लीजिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ दो चम्मच ऑयल। ऑयल हमें ज़रूर डालना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो दो चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है और इसको भी हम मिक्स कर देंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। और इसको जब तक हमें पकाना है, जब तक ये थिक पैटर्न में नहीं बन जाता। तो आप अच्छे से इसको चला लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इतने ये हमारा बैटर तैयार हो रहा है। उससे पहले देखिए, आपको एक थाली या कोई भी कंटेनर आपको ग्रीस करके आप इतने रख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक थाली को ग्रीस कर लिया है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे आप इसको चलाते रहिए और आप देख सकते हैं ये नीचे से देखिए होने लगा है, हमारा बैटर भी देखिए अच्छे से थिक होने लगा है, पहले की तरह एकदम पतला नहीं है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट से देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह का हो जाएगा। तो आपको अच्छे से इसको पकाना है। जो हमने ऑयल डाला उससे फ्रेंड्स क्या होगा कि ये ना आपके पैन में चिपकेगा नहीं, बहुत अच्छा सा एकदम देखिए इस तरह से देखिए बहुत अच्छे से ये गाढ़ा होने लगेगा। अच्छे से देखिए होने लगा है, ठीक हो गया है। थोड़ा सा और इसे हम पकाएंगे, उसके बाद हम इसको सेट होने के लिए रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से फैला लीजिए चारों तरफ। तो आप जितना मोटा चाहें उतना इसको रख सकते हैं। तो देखिए अच्छे से इसको फैला लीजिए। फ्रेंड्स, इसको हम फ्रीज में रखेंगे सेट होने के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इस मिनट के लिए रख देते हैं फ्रीज में। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं किनारों से देखिए इस तरह से आप इसको कर लीजिए। और आपको इन्हें जिस भी आकार में आपको काटे हैं आप उस आकार में इनको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चौकोर पीसेस में इनको कट किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको कट कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि आपको एक प्लेट लेनी है, प्लेट को आप इसमें रख लीजिए और ऊपर से फ्रेंड्स इस तरह से आप सेट। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के पीसेस आपके निकल जाएंगे। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें करना है इनको सेलो फ्राई।
आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं या मीडियम आंच पर इन्हें तल भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इनको कर लेते हैं सैलो फ्राई। तो देखिए फ्रेंड्स इधर मैंने रख दिया है ऑयल और ऑयल में अब हम इनको सैलो फ्राई करने के लिए कर देंगे। तो फ्रेंड्स चारों तरफ से आप इनको सैलो फ्राई कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे सिकने लगे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इनको पलट लेते हैं। तो आप फॉर्क की मदद से देखिए इनको इस तरह से कर लीजिए और अच्छे से इनको फ्राई कर लीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स नीचे से हमारे देखिए कितने अच्छे से सिक चुके हैं। आप चारों तरफ से इनको ऐसे ही सेक लीजिए। ये अच्छे से सिक चुके हैं तो अब हम इनको निकालेंगे। बाकी के जो है उनको भी हम इसी तरह से सेल्फ फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स बनकर के तैयार है हमारे बेसन का टेस्टी सा नाश्ता। जो भी खाएगा वो पनीर खाना भूल जाएगा यकीन मानिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स इसे बनाइए, खाइए और फिर मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।